नमस्कार फ्रेंड्स, पॉल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो रेसिपी लिख के आए हैं वो एक चिकन की रेसिपी है, मेथी चिकन। और उसको बनाने के लिए ऑब्वियसली चिकन तो चाहिए, साथ में मेथी भी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने 700 से 800 ग्राम के करीब चिकन है जो अच्छे से साफ़ किया हुआ है। उसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक और कॉर्नफ्लोर मिलाया है। मिला के उसको मैरिनेट करके थोड़े ज़्यादा तेल में हमने फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो जब सारे चिकन पीसेस फ्राई हो जाएंगे उनको निकाल के रखिए। और फिर हम मेथी पे आते हैं। ये हमारा मेथी है, इसको हमने धो लिया है बहुत अच्छे से। अब हम इसको बारीक बारीक काटेंगे। ये प्याज है, लहसुन, अदरक, हरा मिर्च और टमाटर, इन सबको बारीक बारीक काट लेना है। प्याज को भी, मेथी को भी। देखिए, प्याज को हमने लंबा लंबा काटा है और अदरक लहसुन को हमने ग्रेट कर लिया है बहुत अच्छे से। हरा मिर्च भी हमने बीच से फाड़ के स्लाइस कर लिया है। टमाटर छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तड़का लगाने के लिए जीरा, तेजपत्ता और लाल मिर्चा, साबुत लाल मिर्चा है। तेल हम वही यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमने साबुत लाल मिर्चा, जीरा और तेजपत्ता डाल दिया है। जब अच्छे से चटक जाए तब हम उसमें अपने प्याज मिलाएंगे और प्याज को डाल के अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को गोल्डन नहीं करना, पिंक शेड जब तक आ जाए प्याज में तब तक हम फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो रेसिपी है ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सिखाया था। सबका अपना अलग अलग तरीका है बनाने का, मैंने अपनी ओर से कोशिश की, अच्छा ही बना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि मुझे और किस तरीके के वीडियोस बनानी चाहिए, स्पेशली रेसिपीज़ में। तो ये देखिए, मैं प्याज को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इसका कच्चापन निकल जाए तब तक हम फ्राई करेंगे। और जब थोड़ा सा हमें लगे कि ये थोड़ा गुलाबी दिखने लगा है तब हम इसमें ये जो गरम मसाला मिलाएंगे। अब गरम मसाले में बेसिक गरम मसाला, दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्ची, उसको कूट लिया है। तो जब प्याज थोड़ा फ्राई हो जाए हम उसमें ये कुटा हुआ जो गरम मसाला है ये मिलाएंगे और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आँच आप अपने हिसाब से मीडियम रखेंगे, तेज रखने से जलने का चांसेस हो सकता है, तो मीडियम आँच में ही हम बना रहे हैं फिलहाल। अब हम इसमें अदरक लहसुन, ग्रेटेड अदरक लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे और डाल के उसको फिर से सौटे करेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जब तक निकल जाए तब तक हम इसको सौटे करेंगे। जब लगने लगेगा कि कच्चापन निकल गया तब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले मिलाएंगे। उससे पहले अच्छा टमाटर भी डाल रहे हैं, कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हमने ताकि टमाटर थोड़े से गल जाए। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है। जब हमने चिकन फ्राई किया था तभी थोड़ी सी हल्दी डाली थी बस, और मैंने हल्दी नहीं डाली है। अब आते हैं मसाले पे। बहुत ही बेसिक मसाला है, मिर्चा, धनिया, नमक, जीरा और थोड़ी सी चीनी। धनिया का पोर्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। उसको भी डाल दिया। डाल के हम इसको भी अब थोड़ा सा सौटे करेंगे और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला थोड़ा सा अच्छे से भुन ना जाए। मेरी कढ़ाई भी हिल रही है। अब हम इसमें अपने चिकन पीसेस मिलाना शुरू करेंगे। सारे चिकन पीस मिला के हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी डालेंगे। तो ग्रेवी मीन्स थोड़ा सा, जो चिकन डालने के बाद थोड़ा सा पानी मिला देंगे ताकि जो मसाला है वो चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो चिकन है इसको हम थोड़ा ढक के बनाएंगे। शुरू में हम इसका फ्लेम हाई फ्लेम पे बनाएंगे, दो तीन मिनट अच्छे से भुनेंगे हाई फ्लेम पे। उसके बाद फ्लेम को मीडियम करेंगे और थोड़ा ढक देंगे। पानी मिलाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि चिकन का अपना एक पानी होता है जो अभी छूट निकलेगा,
तो उस पानी में ही चिकन हमारा पक जाएगा। अच्छे से ढक दीजिए और बीच बीच में हिलाते रहिए। मैंने भी ऐसे हिलाया, वो मैंने अभी वीडियो में दिखाया नहीं है। देखिए मैंने अभी इसमें मेथी के पत्ते मिला दिए हैं। मेरा चिकन ऑलमोस्ट 70-75% बन चुका है, तब मैंने मेथी के पत्ते मिला दिए। मेथी के पत्ते मिलाने के बाद भी मैंने उसको बहुत अच्छे से चिकन के साथ मिलाया, मसाले के साथ मिलाया और फिर से ढकूंगी। मेथी का भी अपना पानी निकलता है तो थोड़ा मेथी के पानी में भी बनेगा और पूरा फ्लेवर चिकन के अंदर भी घुसना ज़रूरी है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको ग्रेवी नहीं रखनी है तो आप थोड़ी देर सुखा के उतार सकते हैं, वरना थोड़े ग्रेवी में उतारिए। ये देखिए मेरा चिकन बन गया है, मेथी चिकन। अब मैं इसको उतारने जा रही हूँ। मैंने थोड़ा सा सूखा रखा है, ये मेरा लास्ट में इस तरीके से बन के आया है। होप आपको अच्छा लगा।